हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नितिन गर्ग। आप देख रहे हैं टैक्स एंड टिप्स। आइए आज हम बात करते हैं आईटीआर फॉर्म्स की कि हमें अपनी रिटर्न फाइलिंग करते हुए कौन सा फॉर्म सेलेक्ट करना चाहिए रिटर्न फाइल करने के लिए। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं ITR 1 की। ITR 1 कोई भी इंडिविजुअल फाइल कर सकता है जो कि रेजिडेंट होना चाहिए, उसको सैलरी से इनकम होनी चाहिए या वन हाउस प्रॉपर्टी से इनकम होनी चाहिए या अदर सोर्स से इनकम हो, और उसकी इनकम 50 लाख से कम होनी चाहिए टोटल इनकम। हम इस फॉर्म को कब फाइल नहीं कर सकते ITR 1 को? ITR फॉर्म को यदि 50 लाख से इनकम ज्यादा होगी तो भी हम इसको फाइल नहीं कर सकते हैं। यदि वन हाउस प्रॉपर्टी से ज्यादा हमारी कोई इनकम है तो हम इसको फाइल नहीं कर सकते हैं। यदि हमारी कोई कैपिटल गेन से इनकम है तो भी हम इसको फाइल नहीं कर सकते हैं। बिजनेस प्रोफेशन से इनकम है तो भी हम को फाइल नहीं कर सकते हैं। ITR 1 को हम तब फाइल कर सकते हैं जहां हमारी एग्रीकल्चर इनकम, यदि एडिशनली कोई एग्रीकल्चर इनकम है तो वो 5000 रुपीज तक हो। यदि 5000 रुपीज से अबव होगी तो भी हम इस फॉर्म को फाइल नहीं कर सकते हैं। लॉटरी से कोई इनकम है, बेटिंग से इनकम है, गैम्बलिंग से इनकम है, हॉर्स रेसिंग से इनकम है तो भी हम इसको फाइल नहीं कर सकते हैं। यदि हमने कोई फॉरेन में इनकम अर्न की है तो भी हम इसको फाइल नहीं कर सकते हैं। यदि हमारे पास कोई ऐसी एसेट्स है जो आउटसाइड इंडिया लोकेटेड हो तो भी हम इसको फाइल नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि यदि हमारी इनकम 50 लाख से अबव होती है, हम सैलरीड पर्सन है, पेंशन हमें मिल रही है, वन हाउस प्रॉपर्टी से भी इनकम है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स दैट मींस को हमें इंटरेस्ट मिल रहा है, सेविंग अकाउंट से इंटरेस्ट मिल रहा है हमको, या FDR से इंटरेस्ट मिल रहा है, या इनकम टैक्स रिफंड के टाइम पे हमें कोई इंटरेस्ट मिला है, तो यदि वो हमारी 50 लाख से अबव होती है या हमारी एग्रीकल्चर इनकम ड्यूरिंग द ईयर 5000 से ज्यादा होती है तो हम कौन सा फॉर्म यूज करें, या हम HUF है तो हम कौन सा फॉर्म यूज करें। तो दोस्तों, इसके लिए बताना चाहूंगा, हम ITR 2 फाइल करेंगे। ITR 2 को इंडिविजुअल या HUF फाइल कर सकते हैं। इसके अंदर यदि हमारी 50 लाख से अबव की इनकम है टोटल इनकम तो हम ITR 2 फाइल कर सकते हैं। बाकी कंडीशन इसके अंदर सेम है कि इसमें हम सैलरी के केस में इसको फाइल करेंगे, पेंशन के केस में इसको फाइल करेंगे, वन हाउस प्रॉपर्टी के केस में इसको फाइल करेंगे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के केस में इसको फाइल करेंगे। तो मेजर डिफरेंस ITR 1 और ITR 2 में यही है कि ITR 1 को ओनली इंडिविजुअल फाइल कर सकता है, ITR 2 को इंडिविजुअल और HUF फाइल कर सकता है। ITR 1 में हम टोटल इनकम यदि हमारी 50 लाख तक है तो फाइल कर सकते हैं, ITR 2 को हम अबव 50 लाख के लिए भी फाइल कर सकते हैं। ITR 1 को यदि हमारी एग्रीकल्चर इनकम 5000 तक है तो हम फाइल कर सकते हैं, यदि हमारी 5000 से अबव एग्रीकल्चर इनकम है तो हम ITR 2 फाइल करेंगे। बाकी कंडीशन ITR 2 में सेम है कि हम कब इसको फाइल नहीं कर सकते, यदि हमारी बिजनेस प्रोफेशन इनकम है तो भी हम इसको फाइल नहीं कर सकते, कैपिटल गेंस इनकम है तो भी हम इसको फाइल नहीं कर सकते हैं। बाकी अदर कंडीशन भी इसके अंदर सेम है। आइए बात करते हैं ITR 3 कौन फाइल करेगा। ITR 3 को कोई भी इंडिविजुअल HUF फाइल कर सकता है जिसकी बिजनेस और प्रोफेशन से भी इनकम होगी या ओनली बिजनेस और प्रोफेशन से इनकम होगी। इसके अंदर ITR 3 को मैंडेटरी फाइल कब करना है, यदि 2 करोड़ से एक्सेस हमारी टर्नओवर है तो भी हमें ITR 3 फाइल करना है। यदि हमारी बिजनेस से जो इनकम है वो हमारी ग्रोस टर्नओवर के 8% या 6%, 8% यदि कैश मोड में है, 6% यदि इलेक्ट्रॉनिक मोड में हमें रिसिप्ट है हमारी, तो यदि उससे कम है तो हमें ITR 3 मैंडेटरी फाइल करना है। प्रोफेशनल्स के केस में यदि ग्रोस रिसिप्ट से उनका जो नेट प्रॉफिट है वो 50% से कम है तो हमें ITR 3 फाइल करना है मैंडेटरी। यदि हम किसी पार्टनरशिप फर्म के अंदर पार्टनर है तो हमें ITR 3 फाइल करना है मैंडेटरी। तो अब दोस्तों समझते हैं कि ITR 4 हम कब फाइल कर सकते हैं। ITR 4 हम प्री एज्यूमटिव इनकम के लिए फाइल करते हैं, दैट मीन्स यदि कोई भी इंडिविजुअल और HUF या फर्म ITR 4 को फाइल कर सकती हैं जिनकी इनकम जो है वो 8% या 6% से ज़्यादा है, या प्रोफेशनल्स के केस में वो ग्रोस रिसिप्ट की 50% से ज़्यादा है, या यदि हम लीजिंग और हायरिंग ऑफ गुड्स कैरियर्स के बिजनेस में हैं और उसके पास 10 गुड्स कैरियर्स तक हैं एट एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर, तो और हम अपनी पर व्हीकल पर मंथ इनकम 7500 तक शो करते हैं तो हम ITR 4 फाइल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं ITR 4 कब फाइल नहीं कर सकते हैं। यदि हमारी जो टोटल टर्नओवर है वो 2 करोड़ से एक्सीड करती है तो हमें ITR 3 फाइल करना है। यदि हमारी ग्रोस रिसिप्ट प्रोफेशन के केस में 50 लाख से ज़्यादा हैं तो हमें ITR 3 फाइल करना है। यदि हमारे पास 10 गुड्स कैरियर से ज़्यादा हैं तो हमें ITR 3 फाइल करना है। यदि हम 7500 पर व्हीकल पर मंथ से कम दिखाते हैं तो हमें ITR 3 फाइल करना है। यदि हमारी एग्रीकल्चर से इनकम है और वो 5000 तक है तो हम ITR 4 फाइल कर सकते हैं। यदि उससे ज़्यादा है तो हमें ITR 3 फाइल करना है।
यदि हमारी कोई भी एसेट्स आउटसाइड इंडिया हमारे पास है तो हम ITR 4 फाइल नहीं कर सकते, तो फिर हम ITR 3 फाइल करेंगे। यदि हमारी कोई स्पेकुलेशन से इनकम है तो हम ITR 4 फाइल नहीं कर सकते, ITR 3 फाइल करेंगे। यदि कोई हमें कैपिटल गेन से इनकम है तो भी हम ITR 4 फाइल नहीं कर सकते, हम ITR 3 फाइल करेंगे। यदि हमारी वन हाउस प्रॉपर्टी से ज़्यादा इनकम है तो हम ITR 3 फाइल करेंगे। आइए दोस्तों अब बात करते हैं ITR 5 कौन फाइल कर सकता है। वो पर्सन जो इंडिविजुअल ना हो, HUF ना हो, कंपनी ना हो, वो 5 फाइल कर सकते हैं। दैट मीन्स पार्टनरशिप फर्म्स ITR 5 फाइल करेंगी, LLP, AOP, BOI, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, कोऑपरेटिव सोसाइटी, लोकल अथॉरिटी ITR 5 फाइल करेंगी। इसके बाद बात करते हैं ITR 6 कौन फाइल करेंगे। ITR 6 वो कंपनीज फाइल करेंगी जो सेक्शन 11 की एग्जम्पशन क्लेम नहीं कर रही हैं। ITR 7 कोई भी ट्रस्ट, पॉलिटिकल पार्टी, इंस्टीट्यूशंस, कॉलेज, इन्वेस्टमेंट फंड्स फाइल करेंगे। दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये ITR फॉर्म से रिलेटेड जानकारी अच्छी लगी होगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट आपको इमीडिएट मिलते रहें। धन्यवाद।